कहते हैं शहीद की पत्नी कभी विधवा नहीं होती। जी हाँ, यह बात सच है और शहीद तिलक राज की पत्नी ने यह साबित भी कर दिखाया। उन्होंने अपने पति को अंतिम विदाई देते समय दुल्हन के कपड़े पहने और यह कपड़े वही थे तब उन्होंने पहली बार तिलक राज के घर में दुल्हन की तरह प्रवेश किया था। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गई थी कि किस तरह से दुल्हन के वेश में शहीद की पत्नी अपने पति को अंतिम विदाई दे रही है। पुलवामा आतंकी हमले में जद्रो गांव के शहीद सीआरपीएफ के जवान तिलक राज की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रो रकर बैसुद हो रही पत्नी सावित्री देवी ने दुल्हन का जोड़ा पहनकर देश पर कुर्बान हुए वीर पति के अंतिम दर्शन किए। बड़े भाई बलदेव ने शहीद को मुखाग्नि दी। इससे पहले सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी देकर हवा में गोलियां चलाई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ इतनी उमड़ी कि शहीद की अंतिम यात्रा घर के मुख्य गेट से नहीं निकल पाई। घर के आंगन से सड़क तक भीड़ को देखते हुए पार्थिव शरीर को घर के पीछे से खेतों के रास्ते से ले जाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद शांता कुमार, कई मंत्री और विधायकों के अलावा पूर्व सांसद चंद्र कुमार और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शहीद तिलक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद की पत्नी सावित्री देवी को नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।